आज मेरा सीधा सवाल या वक्तव्य कह लीजिए या मांग कह लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठ के महामंडलेश्वर वहां के महंत योगी आदित्यनाथ जी से है। बजरंग मुनि नाम का एक व्यक्ति जो गेरुआ धारण करता है, उत्तर प्रदेश में सीतापुर में खुलेआम औरतों का बलात्कार करने की धमकी देता है। इससे सिर्फ और सिर्फ दो बातें उभरती हैं योगी जी। गेरुआ वस्त्र धारण करके उसने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है इस व्यभिचारी बात को करके, और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का भी अपमान किया है आपकी कानून व्यवस्था को दरकिनार करके सरेआम रेप की धमकी देकर। मैं आपसे अपील करती हूं और न्याय की उम्मीद रखती हूं, जो इस प्रदेश की जनता भी रखती है, क्योंकि ऐसा कर गुजरने वाले व्यक्ति को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि अब हाथ पैर जोड़कर माफी मांग रहा है माताओं और बहनों से, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है, उदाहरण बनाना है कि अगली बार कोई सिर फिरा आकर वैमनस्य और उन्माद फैलाते वक्त सावधान रहे, और खास तौर से औरतों की अस्मिता के बारे में इस तरह से बात ना करें। मैं आशा करती हूं कि आप खुद गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं तो गेरुआ वस्त्र की गरिमा को, सनातन धर्म की गरिमा को समझिएगा और सूबे के कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर कड़ी कार्रवाई, कड़ी सजा दीजिएगा इस व्यक्ति को। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि सजा देते वक्त उन तमाशबीन पुलिस अधिकारियों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा जो उस भीड़ में खड़े होकर मूक दर्शक बने रहे। गलत काम करते वक्त पुलिस के नाम से हाड़ कांप जाती है, हौसला कहां से आता है ऐसे लोगों को यह कहकर कर गुजरने का। आशा करती हूं